आगरा में अनुसूचित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने जहां एक ओर दलित वोटों पर सेंध लगाने का प्रयास किया, वहीं आगरा को 124 परियोजनाएं देकर लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। कोठी मीना बाजार मैदान में बृहस्पतिवार को भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 124 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 5,198 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने आगरा वासियों को दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने साथ ही इंडिया गठबंधन को भी घेरा। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राष्ट्र अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी स्वागत किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत के बाद आगरा को 5,158 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई। आगरा में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम की धरती यहीं पे है और यहीं से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक म्यूजियम को बनाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पे मंच पे हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण है। इस अधिवेशन के माध्यम से भाजपा ने दलित वोटों में सेंध लगाने की रणनीति भी बनाई। उत्तर प्रदेश के हर जिले से पहुंचे दलित कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भाजपा का फोकस बसपा का मुख्य वोट बैंक माने जाने वाले दलितों पर रहा। देश के अंदर सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया, तो गरीब और दलित को भी, वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। बहरहाल जो भी हो, आगरा में हुए इस अनुसूचित सम्मेलन ने विपक्ष को विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि आगामी चुनाव को लेकर उन्हें अपने वोट बैंक को लेकर रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा।
सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।